नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और नई नियोजन नीति को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां सत्ता पक्ष के विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ये विपक्ष भी आवाज़ बुलंद करी है। और हमारे साथ अंबा जी, हम लोग सीधे इनसे जुड़ते हैं कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है नई नियोजन नीति को लेकर के। मैम, लगातार नई नियोजन नीति को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं सरकार। जी, हमने विधानसभा में भी इसका मामला उठाया है, इस बार रखा है कि इसी सत्र चलते हुए सत्र में नियोजन नीति को लागू किया जाए और जो 4-5 साल का उम्र जो गवा चुके हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, उनको 4-5 सालों का छूट दिया जाए ताकि वैसे स्टूडेंट्स को मौका मिल सके। तो अब देखिए, रिजल्ट हम लोग वेट कर रहे हैं कि चीज़ों को सही तरीके से सही समय में लाया जाए, क्योंकि अब लोग भी अब बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पे हम भी चाहते हैं कि स्टूडेंट के हित में एक ऐतिहासिक फैसला, एक नया फैसला और उनके पक्ष में सरकार फैसला ले, झारखंड वासियों के पक्ष में, यहाँ के युवाओं के पक्ष में एक अच्छा फैसला है। मैम, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमें 60-40 वाली नियोजन नीति नहीं चाहिए, 40% बाहरियों को क्यों जगह दे रही है सरकार? देखिए, 60-40 तो सच में मतलब यहाँ के लोगों को बहुत सालों से दरकिनार कर दिया गया है। तो मैं भी यही मानती हूँ कि यहाँ पे झारखंड वासियों को पूरा रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मैक्सिमम रिजर्वेशन यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, और इसमें ताकि यहाँ के युवा ज़्यादा से ज़्यादा उनको मौका मिल सके। तो हमने भी यही आग्रह किया है और हम अपने पार्टी के लेवल से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इस तरह से जो नियोजन नीति है, यहाँ के लोगों को ज़्यादा उसमें मान्यता मिले, ऐसा प्रयास सरकार करे। बाकी जो कानूनी प्रावधान है जिसकी वजह से सरकार को आगे बढ़ना है, ये देखते हुए कि फिर से स्टूडेंट का कोई परेशानी ना आगे आ जाए, उसको देखते हुए नियम को और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए सारी चीज़ों को लेके आगे बढ़े। तो अब देखते हैं, कुछ दिन में तो हमें लगता है कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। अभ्यर्थी इसको लेकर के कह रहे हैं कि हम इसको लेकर के आंदोलन करेंगे अगर सरकार 60-40 वाली रेशियो वाली नियोजन नीति लेकर के आती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपने पढ़ाई जो कर रहे हैं वो लगातार करते आ रहे हैं, मगर हम लोग को नौकरी नहीं मिल रही है, ना रोज़गार मिल रहा है, ना परीक्षा हो रही है। देखिए, निश्चित रूप से वो तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि बेरोज़गारी का समस्या सर चढ़ के बोल रहा है, और उसके बाद भी अगर यहाँ के लोगों को मौका नहीं मिलेगा, स्टेट में मौका नहीं मिलेगा, और स्टेट में वैकेंसी रहते हुए भी बाहरी लोग अगर ज़्यादा आ जाएंगे या दूसरे स्टेट के लोग अगर ज़्यादा यहाँ पे, या मतलब उनका शेयर ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे वैकेंसीज़ में, तो कहीं ना कहीं तो ठेस पहुँचेगा। तो ये थी हमारे साथ बड़का का विधायक अंबा प्रसाद, जिनका स्पष्ट कहना है कि अगर अपने ही स्टेट में अपने ही लोगों को यहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी तो ये सच में बहुत बड़ा सवाल है, और 60-40 वाली नियोजन नीति यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम रिजर्वेशन जो है यहाँ के झारखंडियों को मिलना चाहिए, ना कि बाहरियों को। तो यहाँ पर सरकार तमाम चीज़ों को देख रही है, और चलते सत्र में नई नियोजन नीति जो है वो आनी चाहिए और जल्द से जल्द आनी चाहिए। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा, नमस्कार।